छत्तीसगढ़ की खबरों का है। सबसे पहले बीजापुर एनकाउंटर में आपको बड़ी अपडेट से रूबरू करवा देते हैं। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों ही तरफ से फायरिंग जारी है। जवानों ने 2 नक्सलियों के शव ढूंढ निकाले हैं। तो 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन बीजापुर एनकाउंटर में, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। 2 शव जवानों को मिले हैं। दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही है। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या है पूरी अपडेट, जरा बताएं अब तक। जी बिल्कुल, माओवादी के खिलाफ बड़ा प्रहार जवानों ने किया है और आज सुबह से ही बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके जो प्रहार किया गया उसमें लगातार जो हैवी फायरिंग होने की खबरें मिल रही थी। अभी जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों के जो जवानों ने 5 माओवादियों को ढेर कर दिया, जिसमें 2 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया। वहीं 3 जो माओवादियों के शव को लेने के लिए कवायद जारी है। काफी हैवी फायरिंग अभी भी जारी है क्योंकि वो इलाके में बड़े माओवादियों की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन किया और कल देर रात ही ऑपरेशन को तैयार किया और आज सुबह से ही इलाके में जो पहुंची फोर्स तब लगातार दोनों ओर से फायरिंग जारी है। फिलहाल 5 माओवादियों को ढेर किया है। अभी यह भी कहा जा रहा है कि माओवादियों की आंकड़े जो मारे जाने की खबरें जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकती है। फिलहाल इलाके की सर्चिंग भी तेज कर दी है और जवानों के लौटने का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। जी 2 शव भी मिले नक्सलियों के। जी बिल्कुल, 2 माओवादियों को शव को जवानों ने बरामद कर लिया है और जो 3 शव है उसको लेने के लिए जो जवानों की कवायद की जा रही है, क्योंकि इलाके में इलाका काफी जंगल है और लगातार माओवादी की तरफ से हैवी फायरिंग की जा रही है, जवान भी फायरिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो आंकड़ा है 5 माओवादी का जो आंकड़ा है और भी बढ़ने की बात कही जा रही है। जी इस पूरे मामले को लेकर एक अपडेट श्रीनिवास ये भी मिल रही है कि 1000 से ज्यादा जवान है जिन्होंने माओवादियों को घेरा हुआ है, नक्सलियों को घेरा हुआ है यहां पर। जी बिल्कुल, ये चूंकि बड़े माओवादियों के लीडर की होने की सूचना जवानों को मिली थी, जिसमें पापा राव सीसी मेंबर है, इनकी टीम होने की खबरें जब जवानों को मिली थी, जिसके बाद जो लगभग डीआरजी, जो कोबरा, सीआरपीएफ, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के लगभग 1000 से अधिक जवानों ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और माओवादी के कोर इलाके में घुसी, जिसके बाद आज सुबह से ही लगातार ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ जारी है, जिसके बाद ही आज जो अभी अभी खबरें मिल रही है कि 5 माओवादी को जवानों ने फिलहाल ढेर कर दिया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद्रोह के